नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली फ्राई। बिग बॉस 13 के पॉपुलर कपल में असीम रियाज और हिमांशी खुराना का नाम भी आ रहा है। हिमांशी पहले ही शो से बाहर हो चुकी हैं और असीम शो में एक मजबूत कंटेस्टेंट के रूप में मौजूद हैं। असीम रियाज और हिमांशी खुराना की लव केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई थी। असीम रियाज शो में कह चुके हैं कि उन्हें हिमांशी खुराना बहुत पसंद है, जबकि हिमांशी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे उनसे दूर रहें क्योंकि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब ये अफवाह कुछ समय से चल रही थी कि कपल के लिए बिग बॉस डिनर डेट प्लान कर रहा है, मगर फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बिग बॉस खबरी के मुताबिक मेकर्स असीम और हिमांशी के लिए डिनर डेट प्लान कर रहे थे, लेकिन हिमांशी ने कन्फेशन रूम में इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब उनकी माँ को ये अच्छा नहीं लगेगा, जबकि असीम रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिग बॉस खत्म होने के बाद वे डिनर डेट पर जाएंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही हिमांशी ने बिग बॉस के घर में दोबारा एंट्री की है। हिमांशी को दोबारा घर में देखने के बाद असीम ने हिमांशी से अपने प्यार का इजहार किया था और साथ ही उन्होंने शादी के लिए प्रपोजल भी दिया था, लेकिन हिमांशी ने इस बात से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो इस बारे में घर से बाहर जाकर सोचेंगी। फिलहाल के लिए असीम और हिमांशी घर में है, लेकिन हिमांशी असीम को कोई ज्यादा सपोर्ट करती दिखाई नहीं दे रही है। बेशक हिमांशी असीम का कनेक्शन बनकर घर में आई हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने मैटर्स क्लियर करने पर ध्यान दे रही हैं। वो असीम की गेम में उनका कोई ज्यादा साथ नहीं दे रही हैं। आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा ये तो टेलीकास्ट होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल खबर ऐसी है कि बिग बॉस किसी भी डिनर डेट का प्लान नहीं कर रहे हैं।